हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। मैकेनिक जो वर्कशॉप में टूल बॉक्स का यूज करते हैं उसका मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि टूल बॉक्स में क्या क्या मेन टूल्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला टूल आप यहाँ पे देख रहे हो ये है ओपन एंड रेंच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। इसे हम लोग नट या फिर बोल्ट को टाइट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक टूल देख रहे हो, ये है स्टील फाइल सेट। 5 पीस का ये सेट होता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इसे हम लोग कॉम्पोनेंट्स को फाइलिंग करने के लिए इसे यूज करते हैं। अलग अलग शेप में ये अवेलेबल होता है, कुछ राउंड होता है, कुछ फ्लैट सरफेस का होता है, कुछ स्क्वायर सरफेस होता है। तो अगला टूल आप यहाँ पे देख रहे हो ये है फाइबर हैमर। जब गाड़ी में छोटा मोटा डेंट हो उसे ठीक करने के लिए हम लोग इस फाइबर हैमर का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आप एक और जो टूल है वो देख रहे हो, ये है क्रिसेंट रेंच। ऊपर का जो उसका फेस होता है वो स्लाइडिंग जॉ होता है, नीचे एडजस्टेबल नॉब होता है। उसके बाद एक और रेंच आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक रेंच है, ये भी एडजस्टेबल होता है और इम्पोर्टेंट टूल होता है, अक्सर ये भी काम में आता है। अगला टूल आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो, ये है एक इम्पोर्टेंट टूल, ये भी है, ये है एलन की। ओके, तो आप यहाँ पे एलन की देख सकते हो, ये एल शेप का होता है और इसमें सॉकेट वगैरह यूज करके हम लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ढेर सारे देख रहे हो, स्क्रू ड्राइवर है, फ्लैट हेड और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, अलग अलग साइज का। ऊपर में फ्लैट हेड है, नीचे में आपको फिलिप्स साइड का मिल जाएगा स्क्रू ड्राइवर। इंपॉर्टेंट ये भी टूल होता है और अक्सर ये भी यूज होता है स्क्रू वगैरह को खोलने के लिए। फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमारे पास थिकनेस गॉज, जिसे हम लोग फिलर गेज भी कहते हैं, और ये जो है वो काम आता है टैपेट वगैरह सेट करने के लिए। अलग अलग जो साइज का गेज यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये था फिलर गेज। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है प्लायर्स, इसे हम लोग अक्सर प्लास भी कहते हैं। तो अब क्योंकि अलग अलग काम में ये आता है तो उस हिसाब से टूल बॉक्स में अलग अलग जो शेप का इसका हेड जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक एक करके, आप देख सकते हो कि अलग अलग हेड का जो प्लायर्स है जिसे प्लास भी कहते हैं। वैसे आप लोग इसे किस भाषा में से कहते हैं या क्या करके पुकारते हैं ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आप देख सकते हो, उन सारे का हेड का अलग अलग शेप, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। और ये आखिरी में देख सकते हो ये है एक। ओके, उसके बाद मैं क्या कहूँ, इस टूल बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। मैं आप दिखाता हूँ कि आगे क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये जो है ये हमारे पास डबल एंडेड रिंग स्पैनर, और इसे हम लोग नट बोल्ट वगैरह को भाई टाइट करने के लिए खोलने के लिए यूज करते हैं। सारे अलग अलग साइज का यहाँ पे टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है ये स्पैनर। उसके बाद यहाँ पे आप हैमर देख सकते हो, सिंपल हैमर है, एक जो राउंड फेस है दूसरा फ्लैट फेस है। तो ये हैमर भी यूजफुल होता है मैकेनिक लोग के लिए जब वो गाड़ी वगैरह का ऑपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे एक कैन देख सकते हो, ऑयलिंग कैन होता है, यहाँ पे ऑयल वगैरह होता है। तो मैं दिखाता हूँ, ये ऑयलिंग कैन का यूज किया जाता है। तो नीचे में जो मैंने बॉक्स रखा था वहां पे आप देख सकते हो जो व्हाइट रंग का बॉक्स है, ये है सॉकेट रेंच, जिसे हम लोग रैचेट कहते हैं, बहुत कोई इसे गोटी सेट कहते हैं, बहुत कोई इसे सॉकेट सेट भी कहते हैं। और जहां पे मतलब बल्क में हो नट बोल्ट का हम लोग यूज करना होता है, खोलना या बंद करना होता है, वहां पे हम लोग क्रेसेंट रेंच की जगह इस सॉकेट रेंच का यूज करते हैं। अलग अलग साइज का सॉकेट अवेलेबल होता है, सेट पूरा सेट होता है ये, और ये टूल बॉक्स के अंदर होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि मैकेनिक अपने वर्कशॉप में यूज करते हैं, लेकिन ये जो मेन टूल्स हैं जो कि टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।